हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच के जिसके अंदर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बाउंड रनों से हरा दिया है इस मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरा और उन्होंने इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज डेविड मलान और जैक क्राउली दोनों को शून्य के स्कोर पर पवेलियन भेजा दोनों ही पिछले मैच में अर्ध तक लगा कर आए थे लेकिन उसके बाद फिल साल्ट और जेम्स वैंस ने शानदार सत की साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को इन झटकों से उबारा और इसके साथ साथ फिल साल्ट और जेम्स वंस दोनों ने ही अपने अपने अर्ज तक पूरे किए और निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने आए लेविस जॉर्जरी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 रनों की एक अहम पारी खेली और इंग्लैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में एक अहम भूमिका निभाई इंग्लैंड ने सभी विकेट खोकर कर दो रन बनाए थे पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इक्यावन रन देकर पाँच विकेट चटके लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने अपने पावर प्ले में तीन विकेट गवा दिए और उन तीन विकेटों में फख्र जमान और बाबर आजम के महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल थे जिसके बाद पाकिस्तान इन झटकों से उबर नहीं पाया एक में रन पर आल आउट हो गए पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन साद स्किल ने बनाए जिन्होंने कि छप्पन रनों की एक पारी खेली और इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लोविस जॉर्ज ने लिए उन्होंने आठ ओवरों में चौवालीस रन देकर तीन विकेट झटके आपको बता दें जॉर्जरी ने बैटिंग करते हुए सैंतालीस बॉलों पर 40 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी और इसी वजह से उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया और इस मैच को जीतकर इंग्लैंड ने सीरीज में दो जीरो की अजय बढ़त बना ली है और सीरीज का तीसरा और अंतिम ओडियाई 13 जुलाई को शाम को साढ़े बजे खेला जाएगा आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें थैंक यू